Assalamu alaikum, welcome back to another video. This topic is basically part 2 of the video that we have made on percentage increase or decrease. So basically what we are going to do is hum kuch mazid questions isme karenge jo ke percentage increase or decrease se related honge, aur main aapko last जो वीडियो थी उसमें आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को के क्वेश्चंस को करने के लिए वी यूजुअली यूज़ द फार्मूला के परसेंटेज चेंज अगर निकालना है, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो भी चेंज इन वैल्यू है, चाहे वो इंक्रीज्ड वैल्यू है या डिक्रीज, तो उसका जो चेंज आया हुआ है वो हमने रखना होता है एज अ न्यूमरेटर और डिवाइड बाई ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100. ये एक फार्मूला है, लेकिन अगर फार्मूला याद ना भी रख पाएँ तो हम इसे कैसे करेंगे, अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा. सो बेसिकली अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ बसेस इन ऑपरेशंस इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 टू 1420, आपको परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस बताना है. सो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है और आपको वैल्यूज बताई हुई हैं, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मूला से किया जाए, हम इसे रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करके दिखाया था. मैं ज़रा वहीं से कंटिन्यू करूँगा. अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे रेशो मैथड से करना है, बेटा आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन है 1000, फाइनली कितनी हो गई थी 1420. अगर मैं इसे रेशो मेथड से करूँगा तो बहुत सिंपल है बेटा. इसमें हम ये करते हैं कि इनिशियल वैल्यू थी 1000, तो अब इसमें रेशो बनाना है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान. पहली क्वांटिटी परसेंटेज होगी, दूसरी क्वांटिटी नंबर ऑफ बसेस होंगी. बेटा इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 100% हम मानेंगे उस वैल्यू को जो इनिशियल थी. तो इनिशियल बसेस कितनी थी 1000. हमेशा जब हम चेंज निकालते हैं ना बेटा, तो चेंज हमेशा जब सवाल में ना बताया जाए तो चेंज हमेशा जो है ना वो उसका रेफरेंस हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है. ठीक है, जब तक सवाल में मेंशन ना किया जाए कि आपको एज अ परसेंट ऑफ किसका निकालना है, तो तब तक ये बात याद रखिएगा कि हमेशा इनिशियल वैल्यू को आपने परसेंटेज का 100% मानना है और वही हमारा रेफरेंस काउंट होगा. अब 1420 हुए हैं जब नंबर ऑफ बसेस, तो हमें सिर्फ ये नहीं निकालना कि इंक्रीज वैल्यू कितनी होगी, हमें अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बसेस में हम इनका चेंज रख देंगे, यानी कि 1420 माइनस 1000 जो चेंज आ रहा है ना वो हम यहाँ रख देंगे. तो हमारे पास जो यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँगा ना एक्स, ये एक्स जो आएगा ये हमारी वही परसेंटेज होगी जो इसके चेंज को यानी इंक्रीज के बारे में बताएगी. सो बेसिकली 1000 माइनस 1420, अगर मैं ये मिटा कर यहाँ पर डायरेक्टली 420 लिख दूँ, तो मेरे पास अगेन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा जैसे मैं करता हूँ रेशो मेथड में, तो और मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज जो कि एक्स है, बराबर आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 1000. सो दो जीरो से, बल्कि तीन जीरो से, तीन जीरो चले जाएंगे, आई विल हैव दिस 42% एज एन आंसर. पहले भी यही था, अभी भी यही आया बेटे. सिमिलरली अगर मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे द प्राइस ऑफ एन MP3 प्लेयर डिक्रीजेस फ्रॉम, अब ये परसेंटेज डिक्रीज से रिलेटेड है, तो इसमें इन्होंने परसेंटेज डिक्रीज मांगी है. अगेन आपको करना ये है कि परसेंटेज डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, अगर आपको रेशो मेथड इम्प्लीमेंट करना है तो आपको परसेंटेज रेशो, दूसरी जो भी क्वांटिटी डिस्कस हो रही है, जैसे यहाँ पे प्राइस डिस्कस हो रहा है तो डॉलर रख दीजिए, और फिर डॉलर और परसेंटेज के रेशो में 100% किसको मानेंगे, जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू 382 थी तो 382 लिख दें यहाँ पे, और फाइनल वैल्यू जो होगी वो 382 और 261.5 का डिफरेंस होगा, और आप इसका जब डिफरेंस निकालेंगे देन यू विल हैव द डिफरेंस एज 120.5
देन अगेन यहाँ पर एक्स लिख देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें, सो एक्स विल बी इक्वल टू 120 टाइम्स 100, 120.5 टाइम्स 100 डिवाइड बाय 382, एंड व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल अगेन रीच टू द सेम आंसर दैट इज 31.544%। सो बेसिकली दिस वॉज द अप्रोच के आपको पता लग जाए कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के सवाल में भी वी कैन ऑल्सो यूज रेशियो मैथड इंस्टेड ऑफ फार्मूला लर्निंग। बट द थिंग इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू इज़ आवर 100% एंड द चेंज इज़ एक्चुअली द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वट एवर द थिंग इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है और वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनके अंदर एक आपको क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताया जाता है और मतलब एक से ज़्यादा बता दिए जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप जो है इसमें फाइनल वैल्यू बताइए इंक्रीज के बाद की। जैसे अब इस क्वेश्चन को रीड करें, इसमें कह रहे हैं इनिशियली द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 50 pounds, देन इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय 5% एंड आफ्टर सम टाइम बाय 10%। मतलब पहले 5% बढ़ी और फिर 10% बढ़ी। आपसे कह रहे हैं फाइनल प्राइस बताओ। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में आई रिकमेंड कि आप जो है ना वो रेशियो मेथड को प्रेफर करें। बहुत इजी हो जाता है रेशियो मेथड को अगर आप सही से इसमें इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे ज़रा ध्यान से देखिए। अब रेशियो मेथड यूज़ करते हुए पहले एक छोटी सी फ्लो डायग्राम बना लें जो आपको ये बता दे कि आपने किस तरह से परसेंटेज को बढ़ाना या कम करना है। अब वो बताता हूँ कैसे। देखें, आपको इनिशियल प्राइस इसमें बताई गई है, जैसे इसमें बताया हुआ है कि 50 pounds इज़ द इनिशियल प्राइस। अब 50 pound जो प्राइस है इसमें पहले 5% का इंक्रीज आया। सो 5% अगर इसमें इंक्रीज हुआ है, मैंने प्लस साइन इंक्रीज को शो करने के लिए लगाया। सो 50 dollar में 5% इंक्रीज हुआ तो कोई वैल्यू बनी होगी, वो वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने उसे एक्स कह दिया। और फिर उस एक्स में जो भी वैल्यू बनी है उसमें मज़ीद क्या हुआ है, 10% का इंक्रीज हुआ है। सो प्लस 5 कर दिया। अगर और इसके बाद जो वैल्यू बन गई वो वाई है, एंड वी हैव टू फाइंड फाइनल प्राइस जो 5% के बाद और फिर 5% बढ़ने के बाद वाली वैल्यू में 10% बढ़ने के बाद जो वैल्यू बनी है दैट इज़ वाई। दिस इज़ आवर मेन टारगेट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम सवाल को गौर से पढ़ें तो इसमें ये बताएंगे। सो अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, बहुत इजी है। आपने पहले ये नहीं होगा कि आप एक ही साथ, अच्छा हाँ, इसके अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन भी हो सकता है। समटाइम्स बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं जो है ना वो 5% और 10% एक साथ बढ़ाकर, यानी डायरेक्टली 15% इंक्रीज़ करके वाई तक नहीं पहुंच सकता क्या। तो बेटा आप इस काम को करके देख लो, आपके आंसर्स गलत आएंगे। क्योंकि रीज़न ये बेटा, जब आप 5% बढ़ाओगे तो आपके जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी जिस पर आपने 10% बढ़ाना होगा। एक साथ जब आप 50% बढ़ाओगे तो आपका इन जो वैल्यू 50 है ना, इसी पे 50% बढ़ेगा। सो इस दोनों अप्रोचेज में से ये वाली अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15% डायरेक्ट करने वाली, इट विल गिव यू रॉन्ग आंसर और आपने इसको कतन इस्तेमाल नहीं करना है। सो ये वाली अप्रोच आपको याद रहे कि गलत है, आप इसको करके भी चेक कर सकते। खैर, सो मैंने जो आपको मेथड बताया है विच इज़ राइट वो ये वाला है, और आपने इसी तरह करना है कि अगर आपको अलग अलग परसेंटेजेस बढ़ाने का कहा गया है या कम करने का कहा गया है तो उसी हिसाब से आपने चलना, ठीक है। चलें अब जल्दी से इसको करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहला स्टेप ये होगा हमारा कि हम 50 में 5% बढ़ाकर पहले हम एक्स की वैल्यू तक पहुंचेंगे। सो इस इतने पार्ट को सॉल्व करने में हम अगेन परसेंटेज और पाउंड्स का रेशो बना लेते हैं। सो हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो 100% है वो है 50 pounds।
अब इसके अंदर कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना है हमने, 5% का। तो अब ये जो नई वैल्यू होगी वो 100 में 5% ऐड करके 105% बन चुकी होगी। हमें परसेंट पता है, हमें न्यू वैल्यू नहीं पता, उसकी जगह हमने लिख दिया एक्स, ठीक है। सो अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 टाइम्स 105 अपॉन 100। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू। सो आई हैव एक्स इज इक्वल टू 52.5 पाउंड्स। सो आफ्टर 5% इंक्रीज आई गेट 52.5। सो दिस वैल्यू इज 52.5. Now, in this value, we have an increase of 10%. So, to reach towards y, towards the answer, what I'm going to do is I will make another ratio, and in this ratio, 100% will be 52.5. That's the key thing. यही चीज़ है जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, कि अब आपके पास जो 100% है, यानी वो वैल्यू होगी जो जिसमें अब आपने 10% बढ़ाना है। एंड नाउ 110% विल बी अवर आंसर आफ्टर इंक्रीज ऑफ 10%। अवर फाइनल वैल्यू विल बी 110% इन रेफरेंस विद द प्रीवियस वैल्यू। सो 110% क्या वैल्यू है, वो वाई हमने नाम दिया था, अब आप उस वाई को कैलकुलेट कर लो बेटे। So our answer will be y will be equal to 52.5 times 110 upon 100. Final answer is 57.75. Okay, now अगर मैं इसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन बनाना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर इंस्टेंस If the price of an article is, let's suppose $120, and its price is increased by 10%, and then decreased by 10%. What will be its final value? अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में अगर ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो ये गड़बड़ कर जाते हैं कि वो बोलते हैं अगर हमने किसी चीज़ के प्राइस 10% बढ़ाए और फिर 10% कम किए तो फिर तो वही आ जाने चाहिए जो उसके शुरुआत में प्राइस थे, यानी इनिशियल प्राइस थे, कि आपने 10% बढ़ाए और 10% ही कम कर दिए। मगर ऐसा नहीं होता कि ये दोनों वैल्यूज सेम आए, एंड द रीज़न इज़, और रीज़न क्या है मैं अभी आपको क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। देखो भाई, अगर मैंने 120 में 10% बढ़ाया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर परसेंटेज और डॉलर का रेशो लूँ, और 120 मेरा पहले क्या होगा, 100% होगा, अब बढ़ाने के बाद 10% ये बन जाएगा 110%, और एक्स अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो मेरे पास एक्स विल बी इक्वल टू 110 टाइम्स 120 अपॉन 100। सो माय आंसर इज 132। सो दिस एक्स इज 132, एंड आफ्टर रिड्यूसिंग 10%, अगर आप वाली बात ठीक है कि जो मैंने कहा कि आप सब तसव्वुर कर सकते हैं कि ये सेम आए, तो होना क्या चाहिए कि ये वाई और ये दोनों सेम होने चाहिए। अब चेक करते हैं हम इसमें 10% रिडक्शन करके, तो 132, अच्छा जी 132, अब हमारे पास क्या होगा, चूँकि अब हम जो रेशो बनाएंगे इसमें 100% किसे कंसिडर करेंगे, अब हम 100% कंसिडर करेंगे 132 को, क्योंकि हम इसमें 10% रिडक्शन कर रहे हैं ना। सो 132 और सॉरी 100% इज 132, और अब रिडक्शन 10% की करने का मतलब क्या हुआ, 100 में से माइनस कर देंगे 10%, तो 90% बन जाएगा। अब वाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 टाइम्स सॉरी
So y equals to 132 times 90 upon 100. So our answer is 118.8, which is not same as this value. That proves कि अगर किसी वैल्यू में अगर आप 10% बढ़ाते हैं और फिर 10% कम करते हैं तो उससे आंसर सेम नहीं रहता. सो आपको एक और ट्रिक यहाँ पे समझ आई होगी. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, अनदर इम्पॉर्टेंट वेरिएशन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज. और वो क्या है कि अगर आप इस सवाल में देखें, इसमें कह रहे हैं द प्राइस ऑफ एन एंटीक वॉच इज इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर. इफ इट्स फाइनल प्राइस आफ्टर 3 years इज $500, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज 3 years बैक. सवाल में कह रहे हैं कि भाई अगर किसी एक आर्टिकल की प्राइस हर साल 5% बढ़ रही है, अगर वो 3 साल पहले ख़रीदा गया था मगर अब उसकी जो फाइनल प्राइस है वो 500 है. सो बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं, अगर मैं इसकी एक डायग्राम सी बनाऊं तो वो जो डाटा को रिप्रेजेंट करे तो वो इस तरह से होगी कि $500 कोई इनिशियल प्राइस थी एक्स, जिसमें पहले साल 5% का इंक्रीज़ किया गया तो वो बनी वाई, फिर दूसरे साल 5% का इंक्रीज़ किया गया तो वो बनी होगी जेड, मगर जब तीसरे साल 5% का इंक्रीज़ किया गया तो वो वैल्यू अब बन चुकी है $500 जो कि हमें गिवेन. सो इट्स बेसिकली अ रिवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसका तरह के क्वेश्चन हम अब इससे पहले करके हटे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना होगा, कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल वैसे ही है. बस अब हम जो है वो ऑपोजिट इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि हम इस वाले स्टेप से इसको रिवर्स लेकर जाएंगे. अब कैसे करते हैं इस काम को, चलें देखते हैं. पहले इन दोनों को कंसिडर करें. अब इसमें ये बताइए कि रेशो क्या बनेगा. सबसे पहले हम रेशो किन दो क्वांटिटीज में बनाएंगे, परसेंटेज पहला होगा और दूसरी क्वांटिटी जो होगी जो भी वैल्यू इसमें गिवन है. जैसे यहाँ प्राइस की बात हो रही है डॉलर्स में. सो अब ये बताइए कि सबसे पहले 100% क्या होगा. भाई 100% वो वैल्यू होती है जो इंक्रीज़ से पहले की हो, और इंक्रीज़ के बाद की वैल्यू जो है वो हम बाद में लिखेंगे अभी फ़िलहाल. सो इंक्रीज़ से पहले की वैल्यू हमारे पास है जेड. अच्छा, इंक्रीज़ कितने का आया, 5% का. तो इंक्रीज़ के बाद जो वैल्यू बन गई वो 105% हो गई. और 105% जो वैल्यू है वो एक्चुअली 500 है, ठीक है ना. ये आ रही है ना 5% इंक्रीज़ के बाद 500. सो ये हमें करना है कि बस अब हमने इन्हें कंसिडर कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशो सॉल्व करेंगे, हमारे पास जेड आ जाएगा. तो जेड विल बी इक्वल टू 500 टाइम्स 100 अपॉन 105. तो जी, सो जेड की वैल्यू है 476.190. सो हमारे पास ये पहली वैल्यू आ गई बिफोर द चेंज. अब हम Z से Y को कंसिडर करेंगे. अब Z की वैल्यू तो आ गई ना 476.190. सो अब दोबारा रेशो बनेगा, अगेन परसेंटेज और डॉलर का रेशो बनाएंगे, और अब हमारे पास 100% जो होगा वो होगा Y, और जो Z की वैल्यू आ चुकी है वो 5% इंक्रीज़ होके आई है, तो 105% अब ये हो जाएगा, तो क्या है 476.190. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 टाइम्स 476.190 डिवाइडेड बाय 105. सो द आंसर इज 453.514. सो दिस इज़ वाई. एंड नाउ अब हम y में मज़ीद 5%
देखेंगे कि बैक जाएंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। अगेन इसमें हम परसेंटेज और डॉलर का रेशो बनाएंगे। 100% विल बी एक्स एंड 105% विल बी वाई विच इज़ डॉलर 453.1.514। सो सॉल्विंग फॉर एक्स आई विल गेट 100 टाइम्स 453.514 divided by 105. So the final answer is 431.91. So that's it for the video. उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।